हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स में से 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज को हम पूरी कंप्लीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है निम्न व्यंजक, हमारे पास कुछ व्यंजक दे रखे हैं, में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, क्या बताना है हमें एक चर में बहुपद कौन कौन सा है और कौन कौन से नहीं है, ये हमको बताना है। एक चर का बहुपद कौन सा बताना है, एक चर में। अब चर का मतलब क्या होता है, जैसे ये संख्या हमारे पास, मैं दो संख्या लिख रही हूँ, उसमें देखना है 3 और 3x, तो ये जो संख्या है जिसमें x लग रहा है वो तो चर संख्या है और ये अचर संख्या है। ये क्या है, अचर है और ये x लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका, चर पद। तो पहला क्वेश्चन हम इसको लेते हैं, तो 4x² - 3x + 7, इसमें बताना क्या एक ही चर है, मतलब एक्स एक्स है तो एक ही चर है इसमें और ये बहुपद है, तो एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। नेक्स्ट है y² + √2, और y² + √2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास बहुपद है लेकिन वाई एक ही चर है तो हम लिखेंगे एक चर में बहुपद है, एक चर और बहुपद है। नेक्स्ट यहाँ टी रूट में आ गया है इसलिए बहुपद चर तो है, इसमें एक चर है बट बहुपद नहीं है, बहुपद ये नहीं होगी, नहीं है। नेक्स्ट y + 2/y आ रहा है इसमें, तो हम ये लिखेंगे चर है एक चर बट ये बटाव में आ रही है इसलिए बहुपद नहीं है, क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट, इसमें देखिए चर 3 है, 1 2 3, कितने चर है, 3 चर है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 चर में बहुपद है, 3 चर और बहुपद है, 3 चर और क्या है, बहुपद में ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन इसका है निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक, किसका लिखना है हमें, x² का गुणांक लिखना है। तो x² का गुणांक क्या है हम देखते हैं, पहले तो x² वाली संख्या कौन सी है उस पर हम अंडरलाइन करेंगे। तो हमारा पहला जो समीकरण है वो है कि 2 + x² + x, तो x² की संख्या यहाँ पर है हमारे पास, इसका गुणांक क्या होगा, इसमें देखिए कोई संख्या है x² का गुणांक, क्या लिखना है, x² का गुणांक, इसके साथ में कोई और संख्या है क्या यहाँ पे प्लस के इधर, तो कोई भी संख्या इसमें नहीं है और ये संख्या किसकी है, प्लस की है, जब कोई भी संख्या नहीं हो तो हम क्या लिखेंगे, 1, और अगर प्लस में है तो +1 लिख दीजिए और माइनस में है तो -1 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका तो क्या हो जाएगा, +1। नेक्स्ट है 2 और 2 - x² + x³, तो x² का गुणांक लेना है हमको, तो यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं है हमारे पास, इसका भी 1 ही होगा लेकिन क्या आगे माइनस है, तो x² का गुणांक क्या होगा इसमें, -1, क्या होगा, -1। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, उसमें है π/2 x² + x, तो x² की संख्या हमारे पास यहाँ पर है, उसके साथ में जो गुणांक है वो क्या दे रखा है, π/2, तो यहाँ पर हमारा x² का जो गुणांक होगा, x² का गुणांक जो होगा हमारे पास वो होगा π/2, क्या होगा, π/2, क्योंकि इसके साथ में जो संख्या है वो क्या है, π/2। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें हमारे पास x² की संख्या ही नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे x² का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 0, जब कोई संख्या ही नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद, कितने पद, द्विपद, द्विपद का मतलब कि दो पद होने चाहिए, जैसे x + 2, ये दो पद हैं लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, 35, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी, एकपदी का मतलब जैसे एक्स है वाई है ये क्या हो गए, अकेला एक पद है, का एक एक उदाहरण हमको देना है, तो 35 घात का द्विपद हमको लेना है, तो हम इसका एक्स का घात कितनी लगाएंगे, 35, और साथ में हम क्या लिख देंगे, कोई भी संख्या लिख दीजिए, 2 और बना लेते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं वाई, 2y की घात कितनी, 35 + 2, ये हमारे पास हो गया 2, एक बोला था हमने 2 बनाए। नेक्स्ट हम देखेंगे 100 घात का एकपदी, तो 100 घात का एकपदी, तो वाई की घात 100 ले लेते हैं, एक्स की घात 100 ले लो, एक एक कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें, 3x की घात 100, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद 100 घात का एक पद ही हमारा हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन,
फोर नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। क्या लिखनी है हमें? प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो घात क्या होगी पहला क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए पाँच की घात एक्स, पाँच एक्स की क्यूब, घात कितनी है इसमें तीन, चार एक्स स्क्वायर, सात एक्स, तो जो सबसे बड़ी घात है वही हमको लिखनी है। तो सबसे बड़ी क्या थी? तीन, तो इसकी घात कितनी होगी? तीन। अब इसमें चार की कोई संख्या नहीं लिखी तो इसकी एक होगी और वाई पे दो घात लग रही है तो दो होगी, इसकी क्या होगी? वाई स्क्वायर है तो दो इसकी घात हो जाएगी। इसमें कोई भी संख्या नहीं है तो इसकी हम मानेंगे वन, क्या मानेंगे? वन, तो इसकी घात क्या होगी? वन। और इसमें भी कोई संख्या नहीं है तो इसकी भी क्या मानेंगे? वन। क्या लेंगे हम? वन। नेक्स्ट जो है फाइव नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, और फाइव नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। सबसे पहला चीज ध्यान रखना है रेखिक कौन सा है, कौन कौन से द्विघात है, घात कितनी होनी चाहिए? दो घात होनी चाहिए, और कौन कौन से त्रिघाती है, मतलब घात कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो है इसमें क्वेश्चन वो है एक्स के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब घात कितनी आ रही है? दो आ रही है, तो द्विघाती होगा। क्या होगा ये? घात दो आ रही है तो द्विघाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स प्लस दो, इसमें कोई भी घात नहीं लग रही है तो ये हो जाएगा रेखिक। अब है एक्स का स्क्वायर प्लस दो, तो ये दो घात आ रही है तो द्विघाती। नेक्स्ट है एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस दो, तो क्यूब लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? त्रिघाती, त्रिघाती। सबसे पहले में दो घात है तो ये होगा द्विघाती, कौन सा होगा? द्विघाती। घात तीन है तो त्रिघाती, घात दो है तो द्विघाती, और घात वन प्लस एक्स है तो इसकी एक्स पे कोई संख्या घात नहीं लग रही है तो इसकी होगी रेखिक। ये क्या हो जाएगा आपका? रेखिक। क्या कहलाएगा? रेखिक। नेक्स्ट इसमें भी कोई घात नहीं लग रही है तो ये भी क्या होगा? रेखिक होगा। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, दो घात है तो द्विघाती होगा, क्या होगा? द्विघाती। और जो सात एक्स क्यूब है तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिघाती। ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती। फर्स्ट जो है 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये एक्सरसाइज जो है बहुत इजी है, इजी तरीके से इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर एमसीक्यू से आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कन्फर्मली है कि एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो चलिए स्टार्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।